इन तस्वीर को देखें और बताएं ये किन चीजों की तस्वीरें हैं। बूंद, चांद, खाद। अब इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़ें। बूंद, चांद, खाद। बूंद, बूंद पानी के कतरे को कहते हैं। बारिश तो हम सबको ही पसंद है। क्या आप जानते हैं जब बारिश शुरू होने लगे तो पहले पानी के छोटे छोटे कतरे गिरते हैं, उसे बूंदाबांदी कहते हैं। चांद, चांद तो हम सभी आसमान पर देखते हैं, ये रात में नजर आता है। बच्चे तो इसे चंदा मामू भी कहते हैं। इससे तो मुझे नजम याद आ गई। चंदा मामू दूर के बड़े पकाए भूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। खाद, खाद सब्जियां और फल उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जानवरों से हासिल होती है। इसके इस्तेमाल से दरख्तों को ताकत मिलती है। इन तस्वीर को देखें और अल्फाज मेरे साथ दोहराएं और बताएं कि इन अल्फाज में दाल कहाँ इस्तेमाल हुआ है। बूंद, चांद, खाद। बहुत खूब, इन अल्फाज में दाल आखिर में आया है और यहाँ भी दाल अपनी पूरी शक्ल में है। इन तस्वीर को गौर से देखें और बताएं कि इनमें किन अल्फाज के आखिर में दाल आया है। कबाब, चांद, चिड़िया, बूंद, खाद। बिल्कुल सही, चांद, बूंद, खाद, इन अल्फाज के आखिर में दाल आया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।